आपको भविष्य किस किस को दिखता है? मेरे को भविष्य का सब चीज दिखता है। कौन कौन है? वो हाथ ऊंचा करे कि मुझे भविष्य का हर चीज दिखता है महाराज। वर्तमान का ही ठिकाना नहीं है महाराज। किसका? भविष्य दूर की बात, वर्तमान दिखता नहीं। अब बहुत सरलता से आपको समझो, विकसित प्राणी मनुष्य है, दिमाग से चिंतन से विकसित मनुष्य है के पशु पक्षी है? आप बताओ, बोलो बराबर जवाब देना। हाँ, मनुष्य विकसित है। चलो, आपने ये पक्षियों का शरणालय देखा होगा। ये शरणालय में अंटार्कटिक से भी पक्षियां आके यहां शरण लेते हैं भारत में। इन तमिलनाडु में वेदांतांगल एक क्षेत्र है जहां विश्व के 80 देशों से सर्दियों के दिन में पक्षियां आके यहां शरण लेते हैं। अब आप आज अच्छे से सोचिए, क्योंकि कथाओं का प्रयोजन वो होना चाहिए जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो। यही कथाओं का प्रयोजन है, हम श्रेष्ठ बने, यही प्रयोजन है। इस प्रयोजन को लेके अगर देखें तो एक पक्षी को एक बच्चा हुआ, ऐसे समझे। वो हुआ अगस्त महीने, इस महीने में, और सितंबर अक्टूबर में ठंड लगने लगती है, नवंबर पकड़ो। यानी इस पक्षी के बच्चे ने पहले कभी ठंड देखी नहीं है, उसने कोई बर्फबारी देखी नहीं है। बर्फ का बरसात होगा अंटार्कटिक में, चारों तरफ बर्फ से ढक जाएगा, वहां कुछ नहीं मिलेगा, हम मर जाएंगे। अब यहां से समुद्र के 8000 किलोमीटर पार करना, कितना अच्छे से सोचो कि 8000 किलोमीटर पार करके इंडिया का मैप उसको किसने दिखाया? अभी देखो, आप बोलोगे कि अनुभव से काम करते हैं हम। अब इसको आगे सर्दी आएगी, ये किसने बताया? क्योंकि ये तो जन्मा ही अभी है, कोई पिछला सर्दी का मौसम तो उसने देखा ही नहीं है, वो बर्फ बारिश इसने देखी ही नहीं है। आगे बर्फ आएगा, इसको किसने समझाया? नंबर वन ये सवाल है कि आगे बर्फ पड़ेगी तो मैं मर जाऊं या रहूं तो आगे कहीं निकलना है। दूसरा, इंडिया किस दिशा में है ये किसने सिखाया? इंडिया कितने दूर है ये किसने सिखाया? रास्ता पूरा अंटार्कटिक का मैप देखो आप, उस मैप से इंडिया का देखो, रास्ता पूरा पानी ही है, बीच में कोई स्थान नहीं है। अगर थोड़ा भी उसको भूख प्यास लगे या शरीर की शक्ति कमजोर पड़ जाए तो समुद्र में ही पड़ के मरना पड़ेगा कि नहीं उस पक्षी को? तो इतनी दूर आने के लिए कितनी कैलोरी एनर्जी चाहिए, तो वो कैसे उसको संभाल के चलता है? रास्ते में पानी है, इसको किसने दिखाया? और बराबर भारत के शरणालय में आके सीधा जैसे फ्लाइट उतरता है वैसे ये उतरता कैसे? कभी सोचा आपने? ये अतीन्द्रिय शक्ति के साथ विश्व के सभी जीव जन्म लिए हैं, लेकिन हजारों सालों से ये पक्षी पशु प्राकृतिक जीवन वही जी रहे हैं। आप विकृत हो गए, इसलिए आपको अब भविष्य नहीं दिख रहा। आप में भी वही शक्ति है, ये पक्षी में है जितनी शक्ति। आप क्या पक्षी से भी गए बीते हो? अब बताइए, पक्षी को मालूम पड़ गया कि आगे बर्फ पड़ने वाला है, मुझे यहां से निकलना पड़ेगा, नंबर वन। दूसरा, किस दिशा में जाना, नंबर टू। कितने दूर जाना, नंबर थ्री। आपको एक रहस्य बताऊं कि ये पक्षी मुंह में एक छोटा सा काड़ी लेके, ये डाली होती है ना वृक्ष की, उसमें पतली डाली मुंह में चोंच में लेकर के चलती है, और रास्ते में थकान हो गया तो ये डाली, पतली डाली को पानी में समुद्र में डाल के उसके ऊपर थोड़ी देर बैठ जाती है, क्योंकि ये डाली तिरता है तो इस पर बैठती है। वापस उठने का भाव आए तो डाली को वापस मुंह में लगा के चलने लगती है, फ्लाइटिंग व्यवस्था भी उसके पास। हाँ, ऐसे सीधे 8000 किलोमीटर एक उड़ान में नहीं आती है, वो भी थकान ले मिटाने के लिए कहीं बैठती है, लेकिन रास्ते में पानी ही पानी है, इसको लेके जाऊं तो तिर के फिर वापस उठ जाऊं, ये व्यवस्था को किसने सिखाया? बताइए, थोड़ा बताइए।
अब आप बताइए कि वो जो पक्षी है जो बोलना नहीं जानता, चिंतन की उसमें क्षमता नहीं है, दुनिया की कोई प्रकार की विकसित यंत्रों की व्यवस्था उसके पास नहीं है, आपके पास दुनिया के सभी प्रकार के आज कपड़े धोने के मशीन, बर्तन घिसने के मशीन, आपके सब काम करने के लिए रोबो भी आ गए, आपको कुछ भी समझ नहीं है, आपका जीवन दुख से भरा है, तकलीफों से भरा है, चिंता से भरा है, और वो मुक्त होकर के वो पंछी पंख उड़ा करके मस्ती से उड़ के इंडिया आता है, और जब यहाँ गर्मी लगने लगेगी वो क्या है कि अंटार्कटिक के उस वेदर में रही हुई है, उस तापमान में जहाँ इतनी गर्मी वो सहन नहीं कर सकती, तो गर्मी आने के पहले वापस उड़ के अपने देश भी पहुंच जाती है और वापस यहाँ आ जाती है समय पर। और ये पक्षी रास्ते में मरी आज तक आप सुन नहीं सकते, और हमारे हजारों एक्सीडेंट होते हैं, हजारों दुर्घटना, हजार विपत्तियां, हजार दुख, हजार संकट है कि नहीं, बोलो आप बोलो। तो आप प्रकृति से दूर हो गए हो, आज तक किसी पक्षी ने अपना आहार बदला क्या, आहार चर्या बदला क्या? देखिए आप देखोगे तो मांसाहारी शाकाहारी प्राणियों का आहार पद्धति देखो तो ये आपको समझ पड़ जाए कि कौन शाकाहारी है कौन मांसाहारी, आहार पद्धति से समझ पड़ता है। कैसे? शेर, लायन, टाइगर, ऐसे जीवों को देखोगे तो इनकी आंतड़ियां 1.5 फुट की होती है। कितनी? क्यों? ऐसे मांस खाने वाले प्राणी अगर ज्यादा देर उसको पेट में रखेगी तो वो सड़ के बीमारी उत्पन्न कर सकती है, उनको जहर बना के मार सकती है, जिसने खाया उसी को मार सकती है, इसलिए इतनी छोटी आंतड़ी है कि फटाक करके नीचे उतर के बाहर निकल जाता है मल के रूप में। हमारी आंतड़ियां कहीं 12-15 फुट लंबी मुड़ी हुई आंतड़ियां हैं, जैसे गाय की है, जैसे हाथी की है, शाकाहारी प्राणियों की। शाकाहारी प्राणी घास भाजी दान ये खाने के लिए जन्मा है, तो जितनी देर ज्यादा रहेगा पेट में उतना ही प्रोटीन कैलोरी विटामिन बनके शरीर में खून बनेगा, इसलिए हमारी आंतड़ियां लंबी चौड़ी है। उन प्राणियों के जो मांसाहार खाते हैं, उन प्राणियों के नख का जो व्यवस्था देखोगे तो उस मांस को अच्छे से फाड़ के टुकड़ा करके दांत से निकाल के खा सके, ऐसे दांत भी लंबे होते हैं ना, नख भी बड़े बड़े होते हैं। आपके दांत लंबे लंबे हैं, ऐसे तीक्ष्ण हैं शेर की तरह, नक बड़े बड़े हैं जो मांस को काट सकते हैं। हाँ, तो आप शाकाहारी प्राणी हो, उस शाकाहारी प्राणी में भी किस समय में क्या खाना चाहिए, ये विवेक युक्त जिसमें प्रज्ञा आ जाती है उसको भविष्य दिखना शुरू हो जाता है। किसको भविष्य दिखता है? प्राकृतिक जीवन जीने वाले को, क्योंकि आपको आगे क्या होगा ये समझने की बुद्धि के साथ ही ईश्वर ने भेजा है। वो बुद्धि आपके अंदर ही है, आपको तो कल सुबह क्या होगा ये चिंता से तड़प आती है, आती है कि नहीं? विकृति है। हम ये पूजा, हम लोग साधु ऐसे देखो, हम सिला हुआ वस्त्र पहनते हैं क्या? प्रकृति यही था, प्रकृति यही है। आप सीने लगे, पहनने लगे सिए हुए कपड़े, तो सिए हुए कपड़ों में पंच तत्वों की ऊर्जा प्रवेश कम करती है। जहां जहां आपने कपड़े को सिला है उस जगह की जॉइंट एनर्जी को अंदर लेने से नेग्लेक्ट करती है, इसलिए पूजा वस्त्र पहन के पूजा करते हैं। पूजा वस्त्र यानी उठ भाई, उठ, बाद में नींद लेना, उठ एक मिनट, उठ बाद में आराम से नींद लेना, उठ उठ खड़े हो जाओ। देखो ये वस्त्र, देखिए ये वस्त्र अखंड है, सिला हुआ नहीं। हम इसको पूजा वस्त्र कहते हैं, सोचते हैं पवित्र होना तभी पूजा में भक्ति होगी इसलिए ये वस्त्र पहनते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें कहीं स्टिचिंग नहीं होने से पूजा के समय में उत्पन्न होने वाली डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी 100% शरीर में प्रवेश करेगी, इसलिए ये वस्त्र। आजकल फैशन हो गया फटे हुए कपड़े को पहन कर भी बैठना, पैंट फटा है, शर्ट फटा, वो महंगा भी है, वो क्या है? तो ऐसे वस्त्रों में ऊर्जा नकारात्मक प्रवेश करती है। फैशन के हिसाब से आप कुछ भी करो ये अलग बात है, आपको फैशन अच्छा लगता है बढ़िया है, लेकिन ये फैशन आपकी ऊर्जा सर्वोत्तम होने के बाद करो तो अलग बात, जो खुद ही अधूरा है
वो अधूरी वस्तुओं के सहयोग से और पाव हो जाता है, जो अधूरा है वो भी पाव हो जाता है। तो वस्त्रों के रंगों का चयन, किस चीज का चयन, वस्त्रों के रंग कैसे होने चाहिए महाराज। तंजावुर नाम सुना है आपने, तमिलनाडु में टेंजोर बोलते हैं इंग्लिश में, जहां राज राज चोड़ ने विश्व का सर्वोत्तम बृहदीश्वर महादेव का मंदिर बनाया है, उसके ऊपर का जो गुंबज है पत्थर का, एक पत्थर का है 20 टन का, उसको 260 फुट ऊपर चढ़ाया उस जमाने में बिना कोई यंत्र। आज भी आश्चर्य है कि उस मंदिर की छाया दिन में रात में कहीं नीचे ही नहीं गिरती है, उसकी छाया ही नहीं गिरती है, उसकी शैडो कहीं नीचे नहीं पड़ती है, ऐसा उस मंदिर का निर्माण है। विश्व में एक ही मंदिर है जिस इमारत का छाया दिन में या रात में 24 घंटे में न चांद में न सूरज में धरती पर गिरती है, कहीं गिरती ही नहीं। दुनिया के सभी साइंटिस्टों ने आके खोपड़ी लगा ली कि ये कैसे बनाया होगा, आज तक कोई सोच नहीं पाया ना समझ नहीं पाया। ये तैंजोर, इधर सरबोजी राजा मराठियों के राजाओं का राज्य काल में अमावास में समुद्र स्नान करने जाते थे। अमावास में समुद्र स्नान करके देवी के दर्शन करते, देवी तिरुकड़ायूर, यहीं जहां मार्कंडेय ऋषि ने यम से विजय पाया, शंकर प्रकट होके 16 साल सदा रहने का वरदान दिए, वो मंदिर है दक्षिण भारत तमिलनाडु में तिरुकड़ायूर है, जहां भगवान ने प्रकट होके मार्कंडेय ऋषि को सदा 16 वर्ष में चिरंजीवी रहने का वरदान दिया। तो आज भी जिनकी शादी होके 60 वर्ष हो गए, सदाभिषेक करने के लिए उस मंदिर में लाखों लोग जाते हैं, वहां जाके सेवा करते। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए राजा आ रहे हैं, उस दिन दर्शन कर रहे हैं, अमावास, अमावास में समुद्र स्नान करके आ रहे हैं। एक बड़े माँ के परम भक्त, वो ऐसे भक्त माँ की भक्ति में पागल हो गए हैं, वो पागलपना में कभी भी मस्त रहते हैं, उस मस्ती में वो माँ के मंदिर के सामने खड़े होकर के माँ का दर्शन कर रहे हैं। तो राजा प्रवेश करे और सिपाही बोले, राजा आ रहे हैं, सरक सरक, इनमें हाथी जैसी बल आ गई है, माँ की भक्ति से पागल की तरह खड़े हैं, कोई सरकाएं तो भी सरके नहीं, और वहीं खड़े हैं। राजा खुद आके देखे कि मेरे सामने खड़ा मुझे दर्शन करने नहीं दे रहा है, राजा को गुस्सा आया, नालायक मुझे दर्शन नहीं कर रहा है, इसको धक्का मार के बाहर निकालो। इतने में इनके मुंह से निकला, अरे गुपचुप रहे, आज पूनम के दिन माँ का दर्शन कर रहा हूं। दिन क्या था, क्या दिन था, अमावस्या का दिन। वो कह, मैं पूनम में माँ का दर्शन कर रहा हूं। ये सोचे कि बड़ा मूर्ख है, ये ना तो जगह देता है ना बड़ों को इज्जत देता है, ऊपर से उल्टा सुलटा बोलता है। पूनम है तो आज चांद आएगी, आएगी रे आएगी, जा माँ है तो सब आएगी, मुझे आ रहे जा रहे बोलता है तू, नीचे अग्नि जलाओ, अग्नि में ऊपर झूला लगा दो लकड़ी का, उसमें इसको टांगो, अगर चांद नहीं आया तो इसको उस अग्नि में ढकेल देना। राजा है भाई, अधिकार है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस माँ के भक्त को अग्नि के लपेटों के बीच में लोहे की सलाई में एक लोहे की तख्ती लगाई गई, उसके ऊपर खड़ा दिया गया। अब अग्नि का जोर जोर से लपेट निकल रहा है, क्या निकल रहा है। तब इनको थोड़ा सा होश आया, वैसे तो माँ की भक्ति में होश आना नहीं है, लेकिन उनको होश इसलिए आया कि मैंने क्या बोला ना, आज क्या दिन है। उनको फिर याद आया, मैं माँ के मुख को देख के चांद की तरह उस मुख की रोशनी और शीतलता में आज पूनम है बोल दिया, और इस राजा का अपमान कर दिया, और इसने इधर अग्नि में मुझे खड़ा दिया, अब ये धक्का मारेगा तो मैं इधर गिरूंगा और भस्म हो जाऊंगा। तो उन्होंने उस समय 100 स्तुतियों की एक स्तोत्र बनाया, उसमें 100 स्तुति है, तमिल में है, जिस शब्द से खत्म हुआ उसी शब्द से दूसरी स्तुति शुरू हो, अंत और आदि, जिसको अंतादि कहते हैं, अभिरामी अंतादि नाम से, अंत में जो शब्द है वही आदि में शुरू हो, यानी पहले स्तुति में अंत में जो शब्द था दूसरे स्तुति में उसी शब्द से अगला स्तुति शुरू करें, ऐसे 100 स्तुति उस समय उन्होंने की। इस स्तुति का 100 स्तुति पूरा हुआ, इसमें 80वां स्तुति 79th गुणासी वा स्तुति आया,
तो भगवती आकाश में प्रकट होकर के अपने कान का जो ताटंग कहते हैं, ताटंग यानी कान का जो कुंडल है, इस कुंडल को खोल के आकाश में फेंकी। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी 100-150-200 साल पुरानी बात है, बहुत पुरानी, हजारों साल पुरानी नहीं, क्योंकि सर्वोजी राजा हैं, अभी 250 साल पहले ही राज की इस तमिलनाडु में। तो उस समय माँ ने कुंडल उठा के आकाश में फेंका, तो फेंका हुआ कुंडल चांद बन गया और अमावस में चांद उदित हुआ। और राजा ने चरण में पड़ के उनसे माफी मांगी कि आप जैसे महापुरुषों को मैंने अपमान किया। इस समय जो प्रथम स्तुति आती है, प्रथम स्तुति में वो बोलते हैं उदिकिंद्र सेंगदिरुचितिलकमुनर्बुडयोर मदिकिंद्रमाणिकम मादलंबोधमलर्कमलय दुदिकिंद्र मिनकोडि मिनकडि कुंगुमत्तोयमेन्न विदिकिंद्र मेनि अभिरामी एंदन विलुतुणये। यानी लाल सूर्य के समान उदित रंग, सूर्य के समान लाल रंग वाली, लाल सिंदूर की तरह लाल वाली, माणक की तरह लाल वाली। माणक रत्न होता है ना, वो कैसे होता है माणक, कैसे होता है, कोई माणक देखे हो, एक ही कंकर वाला है। हाँ, हमारे पास माणक ना हो चले, हमारे पास पैसा ना हो तो चले, ज्ञान लेने में कोई पैसा नहीं लगता, हर्जा नहीं लगता। आप व्हाट्सएप में, गूगल में अच्छी चीजों का ज्ञान लेना सीखिए। माणक का रंग तो पता नहीं ना, अमिताभ बच्चन पता है। सबसे बड़ा दुख तो यही है कि हमको जो चाहिए वो पता नहीं है। आप समृद्ध बनना चाहते हो तो जिन जिन चीजों में समृद्धि है उसका ज्ञान पहले लो, फिर चीज भी आएगी जीवन में। अमेरिका का डॉलर आज क्या भाव चल रहा है पहले देखो। आप सोचोगे कि मेरे इंडिया के ही पैसे का पता नहीं, मैं अमेरिका का सुन के क्या करूंगा, मैं लंदन का सुन के क्या करूंगा। जब उस तरंग से जुड़ोगे, उस ऊर्जा से जुड़ोगे, तो वो चीज को खींचने की ताकत भी तुम्हारे अंदर आएगी। वो ज्ञान चाहिए जिस चीज को आप चाहते हो, जो बनना चाहते हो उसका ज्ञान लो। संसार के मनोरंजन और विकार का ज्ञान मत लो। आपको कन्याकुमारी जाना है तो दक्षिण में ही जाना पड़ेगा, राजस्थान के रास्ते में जाके कन्याकुमारी नहीं आएगा। मनोरंजन और विकार में समय नष्ट करके समृद्धि भी नहीं आएगा। पूरी जिंदगी मनोरंजन और विकार में मन लगा रहे, फिर मैं दुखी हूं, मेरे को आशीर्वाद दे दीजिए। मैं क्या दूर है, तू ही सुधर जा, आशीर्वाद आ जाएगा। तेरे विकार ने तुझे दुख दिया है। तो ये महाराज बड़े ज्ञानी ये कहते हैं कि सूर्योदय के समय लाल रंग वाली मां, मांग सिंदूर की तरह लाल रंग वाली माँ, माणक की तरह लाल रंग वाली माँ, लक्ष्मी के हाथ की कमल की तरह लाल रंग वाली माँ, अनार के दानों की तरह लाल रंग वाली माँ। प्रथम स्तुति में माँ को पूरा लाल 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 वर्णन करते हैं। बाद में इसकी जिन्होंने अनुवाद किया, इसका अर्थ समझाया, उन पंडितों ने बाद में इन स्तुतियों के बारे में लिखा, तब लिखा कि भगवती को लाल रंग में ध्यान करोगे तो मरणोपरांत दुख से भी एक क्षण में मुक्ति मिलेगी, इसलिए वो लाल रंग में ध्यान कर रहे हैं। किस रंग में ध्यान कर रहे हैं? जब ये संकट आवे ना, पद्मावती लाल वस्त्र धारण की हो, लाल माणक का मुकुट पहनी हो, लाल चूड़ी पहनी हो, लाल सिंदूर लगाई हो, लाल माणक की छोटी छोटी घुंघरू लगी हुई पायल पहनी हो, लाल लाल दिखती हो, ऐसे उसका ध्यान करोगे तो भयंकर से भयंकर आपत्ति और संकट से भी आप मुक्त हो जाओगे। ये स्तुति ये समझाता है, ये रंगों की महिमा को समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। आज तक आपने देखा होगा, जब तक जीवित होता है एक व्यक्ति अंतिम सांस के लिए लड़ रहा होता है, जिस एम्बुलेंस में जाता है वो सफेद रंग का होता है। किस रंग का होता है? सफेद रंग के एम्बुलेंस में कौन जाते हैं महाराज? हाँ, जो प्राण के लिए लड़ रहे होते हैं, जिनमें प्राण होता है, और मर जाता है तो काला मार्चुअरी वैन में जाता है। वो जो मुर्दों का वैन है वो काला रंग का है। काला पहनते हो तो समझना मुर्दे बनने की तैयारी में हो, सफेद पहन रहे हो तो समझना कि आनंद लेने की तैयारी में हो। ऐसे ही जैन साधु सफेद नहीं पहनता, उसको मालूम है कि दुनिया की ताकत इस सफेद में है ना, दुनिया की तामसता काले में है। और आजकल काला पहनना बहुत चलन में आ गया है। काला पहन पहन के कृष्णगिरी में मैंने पूरी तरह से बंदिश कर दिया, कोई भी काला पहन के आए मंदिर में अंदर ही मत छोड़ो। ये नालायक खुद तो नालायक है ही, मंदिर की माँ की मूर्ति में भी वो दुष्ट तरंगें छोड़ेंगे। इसलिए कृष्णगिरी विश्व में एक तीर्थ है जहाँ काले कपड़े काली चीज लेके मंदिर में नहीं छोड़ते।
इतना सख्त हमने नियम का पालन रखा यहाँ, कोई भी काला पहने, सभी वॉचमैन स्ट्रिक्ट है, जाके तो देखो अंदर कोई छोड़ता है क्या, देखो जाके। तो हमारे जीवन में दुख बहुत है, किसको सुनाऊं, क्यों सुनावे, जितना सुनाता है, जितना परपंच करता है, जितना मनोरंजन करता है, जितना विकार में समय बिगाड़ता है, उन्नति के रास्ते पाने के इतना ही अभ्यास कर तू उन्नति पा लेगा, तेरे पास वो का टाइम कहां है। हर आदमी 3 घंटा रोज ओटीटी में मूवी देख रहा है, सीरियल देख रहा है, पिक्चर देख रहा है, न्यूज देख रहा है, घरों में न्यूज चल रहे हैं। माता जी आके मेरे को बोले कि घर में बहुत परेशानी है, पति से नहीं बनती है, बच्चे बहुत परेशान है, घर में कुछ काम नहीं होता, अशांति बहुत है। अरे तू टीवी देखो, हमारे घरों में आजकल एक मशीन आता है, वो मशीन लगा लेते हैं जिसमें 24 घंटा राम राम बोलता रहता है, वो मशीन आपने देखा ना, ऐसा कोई मंत्र गायत्री मंत्र बोलता है, नमः शिवाय बोलता है, ऐसा मशीन आया है, आया क्या हमारा, किसके घर में है ऐसा मशीन, क्यों लगाया रे मशीन मेरे भाई, बता क्यों लगाया, सुनने से क्या होगा, अरे क्या होगा सुनने से, अच्छे इन मंत्रों को सुनने से घर में शांति होगी, कृपा होगी, इसीलिए तो डाला। अरे इतने होशियार लोगों, अगर नमः शिवाय डालने से घर में सुख शांति आती है तो टीवी डाल के 24 घंटा बलात्कार, एक्सीडेंट, किडनैप, घूस, परेशानी, नेता पकड़ा गया, वो कैद हो गया, ये मर गया, वो गुड़ गए, ये बस इधर घायल होने से 44 लोग मर गए, इस इडियट बॉक्स को जिस दिन घर में बंद कर दोगे आपका इडियट पना खत्म हो जाएगा, उसी दिन से फिर आपको सुख शांति है। जब आप नमः शिवाय बोलने से सुख मानते हो, महसूस करते हो, तो टीवी खोल के देखो, हाँ क्या आता है, मंत्री जी घूस लेते समय पकड़े गए और उनको 3.5 वर्ष की कैद का सजा सुनाया गया, 12 साल की लड़की के साथ, नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार, बस गिरने से 13 लोग मरे। अब ये मरे न पकड़े न कूटे न मारे न, इसी को घर में डाल के 24 घंटा सुनोगे, इन शब्दों से घर में क्या तरंग आता होगा, ये कभी सोचा है, अगर देखना ही है, नहीं मारा देखे बगैर नहीं रह सकते, तो ब्लूटूथ से यूट्यूब कनेक्शन कर लो, थॉट योगा चैनल देखते रहो। कहने का मतलब ये नहीं कि थॉट योगा देखो, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, संतों की वाणी सुनते रहो, संतों की वाणी में उनकी संत पने की शक्ति से सदाचार की शक्ति भी साथ जुड़ेगी, संस्कार की शक्ति भी साथ जुड़ेगी, तो अशांति वाला घर भी शांति वाला बन जाएगा। जिस दिन आप में चयन होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, 24 घंटा टीवी में क्या आता है, ब्रेकिंग न्यूज आता है, क्योंकि उसको TRP बढ़ाना है, क्या आता है, औरत बैठ के रोए, किसी घर में भोजन लेने गया था, साधु हैं हम लोग, भिक्षा लेते हैं, भोजन लेने गया तो एक औरत तो अंदर परोस रही, दूसरी औरत हाल में बैठ के मैं कि क्या हुआ भाई, इसका क्या हुआ, मैं अच्छे अच्छों को भी ऐसे रोते नहीं देखा, हाँ तो थोड़ी हिचकी बंद हुई। फिर मैं पूछा क्या हुआ बहन, नहीं महाराज बहुत दुखी हुई, वो सीरियल देखी ना, उसमें जो हीरोइन आती है उसका पति उसको बहुत मारता है, वो रोती है, उसको देख के मेरे को बहुत तकलीफ हो गया, उसका रोना देख के मेरे को रोना आया। मैं कहना लेकिन वो तो 2 लाख रुपया लेके रो रही है, तू फोगट में क्यों रोवे, आज ही प्रतिज्ञा ले ले कि 2 लाख आए बगैर मैं रोऊंगी नहीं, जिंदगी में रोना भी नहीं होगा, पैसा भी बहुत आएगा तेरे जीवन में। किसको देख के कौन रोए, किसको देख के कौन रोए, फोगट रोए, रोने के लिए भी कोई मजबूत कारण होना चाहिए। अगर इस जन्म में रोऊंगा या रोऊंगी तो परमात्मा नहीं मिले इसीलिए रोऊं, और किसी काम से रोऊं नहीं। मुझे परमात्मा क्यों नहीं मिले, मुझे मिलना मेरे परमात्मा, रोने के भी लायक की कोई कारण होनी चाहिए। आप बोलो कोई होटल गए हो आप और पराठा ऑर्डर दिया और आपसे परोठा ऑर्डर देने के बाद वो लाके रख के 2 करोड़ मांगे तो दोगे, क्या बोलोगे, इसका इतना कीमत नहीं है। आपको मालूम है कि परोठे का कितना कीमत है,
तो आंसू का भी कितना कीमत है ये समझ लो। दुखी हो तो भी ऐसे कारण के लिए हो कि दुख को भी मजा आवे के कीमत दे रहा है मुझे। चवन्नी की चीजों के लिए रोने मत लगो, चवन्नी की चीजों के लिए कृष्णगिरी आके गीत मत गाओ। इधर मेरे पास रोना है तो रो के गुरुदेव माता पद्मावती का दर्शन कैसे हो सकता है बता दो, नहीं तो मैं रह नहीं सकता, मेरे से नहीं होगा रहना। पैसे के लिए आके यहाँ रोते हो, रांड गागरा उगाड़ के कमा लेती है एक दिन का करोड़ रुपया, उसके लिए तेरे को बहुत चिंता आता है, वो चवन्नी की चीज है। अगर पाना ही है तो ईश्वर को पाने के लिए रो, और काई बात के रोते हो। जिस चीज में वैश्याएं कमाती है, जिस चीज में स्मगलर कमाता है, वो कोई पैसा है, वो कोई बात है, उसको इज्जत मत दो। इज्जत देना तो जिसको इज्जत देना उसको इज्जत दो, फिर इज्जत भी आपको इज्जत देने लगेगा, काई का इज्जत आएगा। दुखी तो इसीलिए हो, आपको कोई डिप्रेशन आ रहा है, आपको कोई परेशानी आ रही है, डार्क रंग के कपड़ा पहनना छोड़ दो, एकदम पीला पहनो। पीला पीला पहनोगे तो देखोगे मजा बहुत आ रहा है, रंगों में बहुत महिमा है। आप बोलोगे रंगों में क्या पड़ा है, आज भी ये कमर दर्द आने वालों को, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होने वालों को इंफ्रा रेड रेस के लाइट से ही ठीक किया जाता है। वो इंफ्रा रेड लाल रंग कैसे उनको ठीक करता है, दो ही रंग है मेडिकल में, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रा रेड। और इंफ्रा रेड लोगों को ठीक करता है, क्यों पीले से क्यों धोले से क्यों नहीं करे, ये हड्डी के पास वही रंग जाके काम करता है। तो रंगों की इतनी महिमा है, उस रंग का प्रकाश शरीर के रोग तक को बाहर निकाल के ले आता है, उसको निरोगी करता है। बहुत सोच समझ के ही छतरी बनाई गई उस जमाने में, आजकल तो तरह तरह की छतरी लेके घूम रहे हैं, लेकिन छतरी आने बड़े लोग जानते हैं काली होती थी छत, आजकल तो धोली मल्टी कलर तरह तरह के कलर, ये तो मूर्खता है। छतरी काली क्यों महाराज, काली छतरी क्यों, काली छतरी इसलिए कि छतरी को आप पकड़ो ने तो उसका प्रयोजन एक ही है कि धूप आपको नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर छतरी पकड़ भी लो, उस ऊर्जा की गर्मी की तरंगों को अगर वो रंग नीचे डालता है तो गर्मी लगेगी ही, आप वो धूप से बच सकते वो गर्मी से नहीं बच सकते। काला रंगी ऐसा है जो अब जो भी तरंग आए उसको अपने में खींच के रख लेता है, बाहर नहीं छोड़ता है। सफेद पहन के देखो रिफ्लेक्शन होता है, सफेद पहनो ऐसे चकाचौंध होता है आंख में, क्योंकि सफेद की तरंग बाहर फेंकती है सभी तरंगों को, और काला अपने में खींचता है, इसलिए तांत्रिक काला पहनता है। तांत्रिक लोगों का काम है, आप देखेंगे टीवी सीरियल में, आपने ज्यादा कोई तांत्रिक देखा है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन टीवी में तो देखा है, काली टिक्की भी लगाया होगा, काला डोरा भी बंधा होगा, काला डोरा गले में पहना होगा, काला लंबा एक जिब्बा जैसे नीचे तक लटकेगा पैर तक, जैसे चर्च में पादरियों का लटकता है, और उधर बैठ के ओम ओम फट कुछ करता रहेगा। काला क्यों पहन रहा है, आप अगर काला पहन रहे हो तो छतरी का वो काम कर रहा है, जैसे छतरी रंग तरंगों को अपने में खींच के आपको गर्मी से बचाता है। आज दुनिया में ईर्ष्या करने वाले, जलन करने वाले, नफरत करने वाले ज्यादा हो गए, और अगर आप काला पहन के बैठे हो तो वो सभी तरंगे आपको खींच के वो काला रंग आपको देगा, क्योंकि उसको बाहर डालना नहीं आता, खींचना ही आता है। इसलिए काला पहनने वाले सबसे ज्यादा डिप्रेस जल्दी होते हैं, सबसे ज्यादा परेशान जल्दी होते हैं, और लाइट कलर पहनने वाले सबसे सदा उत्साहित और आनंद में रहते हैं। रंगों का महत्व समझोगे तो जीवन में वो भी आपका अच्छे से सहयोग कर सकता है। रंग के भाई मैं कुछ रंगों का महत्व समझूं कि क्या रंग क्या काम कर सकता है, सफेद पहनना का कोशिश करो, नहीं तो पीला, नहीं तो ऑरेंज, नहीं तो लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, लाइट ग्रीन, सब कलर में लाइट है, लाइट ऑरेंज, मैक्सिमम लाइट कलर पहनो, एकदम डार्क कलर पहनना ही नहीं। माताओं को मैं लाल इसलिए पहनाना चाहता हूँ, कभी भी बोलता हूँ कि लाल पहनो, हमारे अभिरामी स्वामी जी ने अभिरामी अंतादि में पहले स्लोत्र में कह दिया, माँ तू लाल रंग वाली है, तो हम भी लाल पहनेंगे तो माँ की कृपा के पात्र हो जाएंगे, क्योंकि माँ लाल पहनती है। इसलिए बहनों को लाल पहनना चाहिए, पुरुषों को लाइट कलर पहनना चाहिए, एकदम लाइट कलर पहनना। कपड़े तो बहुत अच्छे शोभित कपड़े पहनने चाहिए, आजकल घर में सोते हैं तो बरमुडा पहन के सो लिए, चड्डी पहन के सो लिए, आप कहीं भी रहो एक संस्कार में रहो, एक व्यवस्था में रहो, अगर वो संस्कार आपके साथ है। आप कई बार मुझे बोलते हो मैं जाप भी करता हूँ, मैं पूजा भी करता हूँ,
मैं तपस्या भी व्रत भी करता हूं, फिर भी सुख क्यों नहीं है महाराज? आप में किसी लोगों को यह सवाल होगा, इसलिए सवाल उठा रहा हूं कि मैं जाप भी करता हूं, मैं पूजा भी व्रत भी करता हूं, फिर मेरे कका ये जाप तप पूजा व्रत फलित क्यों नहीं हो रहे महाराज? आपको मैं बोलूं कि कोई अच्छी नाचने वाली को सिर्फ नाचने आना काफी है कि वो जिधर नाचेगी वो मंच मजबूत होना भी काफी है? आप मुझे बताइए, मंच एकदम ढीला है, कोई भी खड़े हैं खाली खड़ने मात्र से ही टूटने जैसा है, बा उधर खड़ी वो के थाम तथाम तई तथई ताम तथाम थई तथई, क्या होगी दो ये दो मिनट में क्या होगी, अंदर घुस जाएगी कि नहीं? तो ये संसार के जितने मंत्र पूजा व्रत है सभी भरतनाट्यम की तरह हैं। क्या है? लेकिन मंच बगैर भरतनाट्यम जैसे नहीं होता है। भैरव सहस्र नाम पढ़ोगे तो उसमें लिखा है मातृ पितृ प्रियंकर है अदुष्टाय साधवे, याने जो इस जाप पूजा व्रतों को करता है वो माँ बाप को भी प्रेम करने वाला, माँ बाप की इच्छा को पूर्ण करने वाला, खुश करने वाला, झूठ नहीं बोलने वाला, साधु जैसे सदगुणी उत्तम आत्मा होनी चाहिए। अगर ये मंच मजबूत नहीं है तो भरतनाट्यम टिकने वाला नहीं। आप खाली व्रत पूजा ही कर रहे हो, खाली जाप तप दिया धूप ही कर रहे हो कि माँ बाप की भी इच्छा अनुसार आज्ञाकारी बने हो, समाज में भी उत्तम शब्द बोलते हो कि बाजार में निकलते तेरी माँ की तेरे बाप के ऐसे शब्द निकलते हैं कि शब्द आप टटोलो, आपके पूजा भक्ति क्यों काम नहीं आता आज ही मैं बता दूंगा। हो बार झूठ बोलते हो एक दिन, सो बार गुस्सा करते हो एक दिन, सो बार दूसरों की निंदा करते हो, है कि नहीं? बोलो कैसे व्रत, कैसी पूजा, कैसे तप, कैसा दिया, कैसे वो सब आपको काम करेगा? बताओ मंच सही होना कि नहीं भरतनाट्यम करने के लिए? आपका मंच मजबूत है क्या? आप बताओ। हाँ हमारा मंच मजबूत है, हम बिना काम गुस्सा नहीं करते किसी का नहीं। वो आदमी उधर भी नहीं गया होगा इधर। जयराम जी, जयराम जी साहब कहाँ, बहुत दिन से दिखे नहीं क्या साहब? बहुत दिन से दिखे नहीं, आपको याद कर रहा था, आपके दर्शन हो गए। और इधर चार फुट भी नहीं गया, देखो नालायक मजा लेता है। हाँ कैसा नालायक है, दूसरे से पंचायत है कि नहीं? मंच मजबूत करिए। भरतनाट्यम भले कम ज्यादा आए तो भी चले, लेकिन मंच सही नहीं होगा तो पैर टूटेंगे। ध्यान रखो आप में जो जो अवगुण है, मैं तो वो साधु हूं पूजा करने नहीं बोलता, व्रत करने नहीं बोलता, दिया धूप करने नहीं बोलता, मंच को मजबूत करने की प्रेरणा जिंदगी भर देते आया हूं। किस चीज को? मंच मजबूत नहीं है आपके अंदर में विकार भरा हुआ। कितने अच्छे से यहाँ आके बैठे हो, इतना अच्छा आप में सच्ची में स्वभाव है क्या? आप देखो, मुझे गलत मत बोलना, मैं तो दुनिया के स्वभाव बता रहा हूँ। हाँ आप मुझ पर नाराज मत होना, मैं तो दुनिया का स्वभाव बता रहा हूँ। झूठ बोलते हो के नहीं, बस इतना ही बोलो मुझे। गुस्सा करते हो के नहीं, इतना ही बोलो मुझे। निंदा करते हो के नहीं, इतना ही बोलो मुझे। अपनी चीज पाने के लिए फरेब करते हो कि नहीं, बताओ। अब बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, अब आपको बोलना। इस हिसाब से, इस स्टैंडर्ड में देवी राजी होगी क्या? यही सवाल है। हाँ फिर आप कैसे बोलते हो कि दिया काम नहीं कर रहा, धूप नहीं काम कर रहा, व्रत काम कर रहा? माँ आपके दिया धूप के लिए बैठी नहीं है, क्योंकि उसके दिया करने वाले करोड़ों हैं, आपके दिए के बगैर क्या तरसेगी? आपके पास सदाचार के लिए तरसती है कि मैंने जो चीज धरती में भेजी वो गड़बड़ा गई है, वो चीज सुधर जाए तो मेरी भी आत्मा खुश हो जाए। मां का तरस तो ये क्या तरस है? हाँ आज हाथ जोड़ के मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि इधर आके आप पूजा भक्ति व्रत आराधना साधना इन चीजों पर खोपड़ी मत लगाओ। आपके अंदर रही हुई गंदगी को बाहर निकाल दो, फिर जाओगे तो जहां जाओगे बिना पूजा व्रत के भी भक्त कहलाओगे। उसके लिए पूजा भक्ति की जरूरत नहीं है। क्या पूजा करोगे, क्या भक्ति करोगे? क्या हरिश्चंद्र से ज्यादा सत्य बोल लोगे? हाँ मार्कंडेय से ज्यादा शिव भक्ति कर लोगे? तो हम कोई औकात के नहीं है, महापुरुष बहुत हो चुके हैं। हम तो इतना कर सकते हैं कि हमारे अंदर आए हुए विकारों को समाप्त करके सर्वोत्तम बन सकते हैं। अगर आप ये बनने की कोशिश भी कर लिए कि भाई ये करना है मुझे, फिर तो आपका कृष्णगिरी आना सार्थक हो जाएगा। इतना ही कर लो तो बस, आप कोशिश ही कर लो तो बस, मेरी कथा सार्थक, आपका जीवन सार्थक, आपका आना सार्थक,
ये जीवन में आपने दो शब्द सुने वो भी सार्थक है कि नहीं, आप ही बताओ, सच्ची बात है। तो आज से ही सोचो कि बिना काम झूठ नहीं बोले। बहुत आपत्ति आ गई। देखो, आटिकी नाम की एक स्त्री थी। क्या नाम? आटिकी। ब्राह्मणी थी, भूखी थी। उसको मालूम है कि पति उशस्ति ऋषि बहुत बड़े उशस्ति हुए, वो भी भूखे, अकाल पड़ गया बहुत बड़ा, सब देश छोड़ के भाग गए, कोई नहीं। और इन्होंने सोचा मैं भी मर जाऊंगा, पत्नी लेके कहीं जाता हूं। जंगल में जा रहे हैं, खा के 48 दिन हुए। कितने दिन? 48 दिन हुए खा के। अब अंतिम श्वास जैसे लग रहा है, क्योंकि नाड़ी ठंड पड़ गई, नब्ज धीमे हो गए, शरीर में से खून बहना बंद हो गया। अभी 48 दिन कौन जिंदा रहे भाई, वो ऐसे ढीले पड़ गए। पत्नी पास में बैठ के रो रही है। वो धीरे से सरक के जा रहे हैं, देख रहे हैं कि एक शिकारी सत्तू का आटा खा रहा है। क्या खा रहा है? हाँ, शिकारी है, वो अपने हिसाब से खाता है जो खाना। तो इन्होंने हाथ लंबा किया, मुझे थोड़ा दे दे, प्राण निकलता दिख रहा है। तो उस समय बोले कि थोड़ा मुझे दे दे। शिकारी बोला, ये झूठा है महाराज, ये झूठा है, मेरी थाली का है और मेरे पास है नहीं। आप तो ब्राह्मण पुण्यात्मा देवात्मा हूं, प्रणाम, मेरे पास नहीं है। तो क्या इसी में से थोड़ा दे दे। वो सोचा देखो कैसे ब्राह्मण है, ये झूठा सत्तू लेने आ गया। तो भी अभी कहा ना बोले, इतना दे दिया। इन्होंने थोड़ा सत्तू अपने लिए दो कवा रख लिया, पत्नी को दो कवा दिया, वो भी 48 दिन से भूखी। दोनों थोड़ा थोड़ा खाएन, थोड़ा पशु के लिए, थोड़ा पक्षी के लिए, चार पांती करके रख दिया पास में। अब शिकारी ने बोला, सत्तू खाया तो गला अटकेगा मारा, थोड़ा पानी भी पी लो, लो। तो बोले, नहीं भाई, तेरे हाथ में एक ही लोटा, तेरा झूठा है, मैं नहीं पीऊंगा। कौन बोले? ये तेरा झूठा है, मैं नहीं पीऊंगा। बोले, वाह महाराज, अभी झूठा सत्तू खाया तब बहुत मजा आया, अब झूठा पानी नहीं पीओगे? ओ बोले, पहले जो मैं सत्तू लिया ना, जब मेरा प्राण निकल रहा था, अब उस लिए वो आपत्ति का धर्म था कि प्राण बचाने के लिए कुछ भी करूं। अब मैंने दो कवा खाया, मेरा प्राण बच गया, अब मैं झूठा नहीं ले सकता। पहले जो मैं किया वो प्राण धर्म था, अब मैं जो कर रहा हूं ये ब्राह्मण धर्म है, धर्म को सीखो। हाँ, हर जगह एक चीज नहीं चलेगी, आप ऐसे करो कि यहां भी ऐसे करूंगा, वहां भी वैसे करूंगा। आपत्ति में एक धर्म होता है और समय पर एक धर्म होता है। आप ये समझ ना कि ये झूठ बोलने से किसी का कल्याण होगा, वो आपत्ति धर्म है। एक हिरन आके अपने घर में घुस गया ना, शिकारी पूछता है कि हिरन आया क्या? अब आपको क्या बोलना चाहिए? आ गया बोले तो उधर प्राण की हत्या होगी, उस समय नहीं आया बोलो तो वो पुण्य में ही माना जाएगा। तो झूठ कब बोले ये विवेक रख के आपत्ति में शुभ के लिए बोले, कोई मना नहीं है। लेकिन बिना काम ही कोई पूछे ये भोजन कर लिया हमने, नहीं किया। देखो, आपसे कई बार ये बात होता है, छोटी बात बताता हूँ। कोई भी पूछता, भोजन कर लिया? हमने नहीं किया, फिर भी हम कहते हाँ हाँ कर लिया कर लिया। बोलते हो कि नहीं? देखो कई लिए बोलते हो, वो एक झूठ है, छोटा हो बड़ा हो। देखो, इतनी छोटी चिंगारी है, आप बोलो ये चिंगारी है, छोटी तो है। ये इतनी सी चिंगारी जंगल को जला के राख कर सकती है। चिंगारी में छोटी बड़ी नहीं होती ना, झूठ में छोटा बड़ा नहीं होता, झूठ झूठ होता है। अग्नि में कोई कह सकते हैं कि छोटा न बड़ा? हाँ? तो कोई पूछे तो नहीं खाया, बोलने में क्या जाए है भोजन, हमको लगे कि नहीं खाया, बोले तो क्यों भूखा, क्या सो पूछेगा, इसलिए कह दो क्या खा लिया। जो है वही बोलना सीखो, जैसे हो वैसे ही जीना सीखो, शुभों का चयन करना सीखो, अच्छी बातों का चिंतन सीखो, सीखो ऐसी चीज जिससे समृद्धि धन सुख रिश्ते खुद ढूंढ के आपके पास आए, आपको तरसना न पड़े। अभी आप तरसते हो, वो नहीं मिला न, वो नहीं मिला न, ये नहीं मिला न। तरसने वाले को कुछ नहीं मिलता, तरसे तो कुछ नहीं मिले, तरसना छोड़ना पड़ेगा, मस्ती में आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अवचेतन मन का जो व्यवस्था है वो ऐसा है, वो आपको बोलूं तो समझ पड़ेगा कि नहीं। फिर भी इन बच्चों में कई लोगों ने टाइटैनिक पिक्चर देखी होगी, कोई होंगे जो इसमें टाइटैनिक पिक्चर देखा, कौन देखा? अच्छे से हाथ ऊंचा करो कोई। टाइटैनिक में आपको मैं लेके जाने वाला नहीं हूं, तो डूब गया है, जा जा। देखा ना भाई, उसमें आप देख सकते हो
ये जो बर्फीले चट्टान समुद्र में रहते हैं, ये समुद्र में बहुत बड़े होते हैं, खाली उसका जो ऊपर का नोक बार दिखता है, और जब स्नो पड़ता है तो वो भी नहीं दिखता है। टाइटैनिक में कैप्टन गाड़ी चलाने की इशारा कर रहा है, लेकिन दूर में वो चट्टान उसको दिखे नहीं। आपने देखा होगा उसको वो चट्टान दिख नहीं रहा है। ऊपर से वो आदेश देता है, क्या करता है। और आपने देखा होगा इस जहाज में नीचे स्टीमिंग होता है, क्या होता है, अग्नि जला के पानी गर्म करते हैं, स्टीम करते हैं, उससे नीचे कई बड़े बड़े शरीर वाले मोटे बलवान लोग ऐसे घुमाते रहते हैं पुर्जे। उस पुर्जे के घूमने से वो इतना बड़ा जहाज, अंदर ही सब स्विमिंग पूल है, बड़े बड़े कमरे हैं, हजारों लोग रहते हैं। इतने बड़े जहाज को ढकेलने के लिए कम से कम 600 लोग, 300 लोग इस तरफ और 300 लोग इस तरफ रह के, जैसे नाव खेते हैं हम लोग, अंदर से वो पुर्जे घुमाते रहते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं। अब ये अंदर जो पूरी तरह पैक्ड अंडरग्राउंड में रहते हैं, इनको बाहर क्या है क्या नहीं कुछ पता है क्या? हाँ नहीं है, तो फिर ये गाड़ी कैसे चलती है? ऊपर से कैप्टन ऑर्डर देता है, लेफ्ट राइट 90 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 15 डिग्री वो बोले तो नीचे से वो 15 डिग्री घुमाते हैं, लेफ्ट बोले तो वो लेफ्ट में घुमाते हैं, राइट बोले तो राइट में घुमाते हैं। इनको पता ही नहीं कि कहाँ है सामने, एकमात्र आदेश को लेके वो चलते हैं। उनको कुछ नहीं दिख रहा है। ये सबसे बढ़िया उदाहरण अवचेतन मन के लिए। आपका अवचेतन मन अंडरग्राउंड में पुर्जा घुमाने वाले वही कर्मचारी हैं जो कैप्टन के आर्डर पर अपने आप चलते हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं देख पाते। आपका अवचेतन मन बोलता है कि अभी मेरे में कोई खोटा ऊर्जा घुस गया, अब मेरे को झटके लगते हैं, वो लगते हैं, तो तुरंत उस तरफ गाड़ी को घुमाना ये कर्मचारियों का काम है, क्योंकि उसने कुछ देखा नहीं। अगर तुम बोलो कि मैं गरीब हूं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, तो गरीबी और दुख की तरफ गाड़ी को मोड़ना उनका काम है। दुख हूं मैं, बहुत दुख आ रहा, मुझे परेशानी है, आपने ये ऑर्डर दिया, तो तुरंत वो सोचे मालिक को दुख का मजा बहुत आ रहा है, इसको दुख की तरफ ले जाओ, क्योंकि अवचेतन मन को बाहर क्या है बिल्कुल नहीं दिखता। आपने जो ऑर्डर दिया या जो सोचा, जिस प्रकार चिंतन किया, उस और आपके जीवन को ले जाने की सबसे बड़ी शक्ति अवचेतन मन में है, और जो आप सोचोगे वैसे ही बनते जाओगे, क्योंकि गाड़ी को चलाने का ऑर्डर आप दे रहे हो, लेकिन चलाने की शक्ति अवचेतन मन में है। आप गलत ऑर्डर दो या सही ऑर्डर दो, उसको कुछ पता नहीं कि गलत और सही के बारे में। मालिक ने ऑर्डर दे दिया, उस तरफ ले जाना गाड़ी को, मैं बहुत दुखी हूं, परेशान हूं, रोगी हूं, पीड़ा हूं, तो मालिक ने ऑर्डर दे दिया रोग पीड़ा दुख, तो गाड़ी किस तरफ मोड़ती है अवचेतन मन। आपने देखा होगा टाइटैनिक में कि वो अंदर वालों को बाहर क्या है, समुद्र है कि पानी है कि नदी है कि पहाड़ है, कोई लेना देना नहीं। ऊपर से वायरलेस में एक मैसेज आता है, इस तरफ मुड़ो, वो उस तरफ मुड़ता है कि नहीं। आपका अवचेतन मन भी, आप दुख बोलो तो दुख की तरफ मुड़ता है ना, सुख बोलो तो सुख की तरफ मुड़ता है। मन को इतनी सारी शक्ति दे के भगवान ने मनुष्य बना के धरती में भेजा है, इतनी सारी शक्ति। आप सोचोगे कि धन 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 करते ही जाओ, भले आप आज दरिद्र हो, भूल जाओ दरिद्रता, ऑर्डर दो धन 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 धन। अवचेतन मन जहां से धन आ सकता उस तरफ आपकी गाड़ी को मोड़ देगा। आप गाड़ी उस तरफ चलाओगे बाद में कि जहां धन है। अगर आरोग्य चाहते हो तो मैं रोगी हूं, मुझे परेशान है, मैं कमर दुखता है, सब मत बोलो, आरोग्य 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 बोलते ही रहो, तुरंत ये जहाज उस तरफ मुड़ने लगेगा जिस जगह आरोग्य है। बहुत सरल चीज है ये, क्योंकि मनुष्य का शरीर को ईश्वर ने इस प्रकार बनाया है, वो जो मांगे उस तरफ वो मुड़े, समझ रहे हो, जो मांग रहे हो उस तरफ वो मुड़े शरीर। आप क्या मांग रहे हो, देखो आप कोई एक जन खड़े होके बोले कि मैं सुबह से शाम तक धन मांगता हूं, आरोग्य मांगता हूं, असंभव है, एक का भी नहीं मान सकता मैं। सब वही बोलेगा, बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है, संकट है, दुख है, परेशानी है। इन शब्दों के सिवाय अच्छे शब्द आपके जिंदगी में ही नहीं, यही शब्द है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा वो है। वो अंदर वाला देखता है कि ऊपर से कैप्टन का आदेश आ गया, क्या आदेश आया भाई, दूसरा पूछता है, 600 लोग अंदर काम कर रहे, दूसरा पूछे दुख दुख, ऊपर से ऑर्डर आया है, दुख दुख, संकट, दरिद्रता, परेशानी, शत्रु, बीमारी, व्याधि। अच्छा गाड़ी को उस तरफ ले जाओ, चलो गाड़ी वहां जाए जहां दुख की दुख मिले, और संकट बढ़े और पीड़ा बढ़े। आपको क्या चाहिए महाराज, बोलिए।
हाँ? तो आप गाड़ी को सुख जहां है उसी तरफ ऑर्डर देके चलाइए। आपके मुंह से सुख चाहिए तो सुख की तरफ से ही ऑर्डर होना चाहिए। आप कैप्टन हो उस गाड़ी के, लेकिन चलाते कोई और है। आप क्या हो? आप क्या हो? और चलाते आप कैप्टन को ऑर्डर देने का ही अधिकार है, चलाने का अधिकार नहीं है। चलाते कोई कर्मचारी है। आपका अवचेतन मन आपकी इच्छित वस्तु पकड़ के लाता है, लेकिन आप क्या बोलो उसको पकड़ के ले आता है। उसको कुछ भी मालूम नहीं है, वो नौकर है। आप दुख बोलो दुख लाएगा, पीड़ा बोलो पीड़ा लाएगा। इसलिए शिव के भजन, पार्श्वनाथ के भजन, पद्मावती के भजन, व्रत पूजा तप दीपक धूप से पहले स्वयं के शब्दों के चयन को मजबूत करो, फिर व्रत फलित होंगे। आपके शब्दों के चयन कैसे हैं, जिंदगी में सोच कैसा है, आपका विचार कैसा है, आप स्वयं को इतना मजबूत कर लो। कृष्णगिरी में आए हुए एक भी व्यक्ति के मन में दुख रोग पीड़ा दरिद्रता आदि शब्दों का स्मरण तक नहीं होना चाहिए। वो भले ही जिंदगी में हो, आप भूल जाओ उसको। जब आप भूल जाओगे तो भूला हुआ मेहमान घर में बहुत दिन नहीं टिकता, वो अपने आप ही निकल जाता। जिसकी खातिरदारी ज्यादा करोगे वो ज्यादा दिन रहेगा। जितनी खातिरदारी बढ़ेगी, दुख की खातिरदारी रोग की खातिरदारी बहुत करोगे, फिर जाएगा ही नहीं। हाँ बहुत मजा मिलता है यहाँ तो, बहुत आनंद आता है, यही बैठो, ये तो हमारा ही याद करता है, अच्छी चीजों का तो याद ही नहीं करता। आप बोलो कौन अच्छी चीजों को याद करते हो, बताओ। हाँ फिर का ही कथा सुनना, फिर क्या करें कथा सुने। ये कथाएं इसलिए नहीं कि किसी मरे हुओं की, कि किसी अमर हुओं की, कि कोई बड़े हुओं की, कि उदाहरण पुरुषों की हम बैठ करके बातें सुने, इसलिए नहीं है। हम उदाहरण पुरुष बने इसलिए ये कथाएं हैं, किसी गए बीते हुओं की कहानी नहीं है ये। हम वैसे बन जाएं उसलिए ये कहानी है, समझ रहे हो बात। तो हमको बनना पड़ेगा, अब तो बने हुओं की बातें नहीं सुनना पड़ेगा। बने हुओं की बातें सुनने थोड़ी, हम ये भी सीढ़ी सीख के चार रुपया कमाने सीखते हैं कि ये भी सीढ़ी जानने सीखते हैं। राम को भी राम से पुण्य कमाने सीखने के लिए हम राम की कथा सुनते हैं। राम के लिए राम की कहानी नहीं है, राम बनने के लिए राम की कहानी, समझ रहे हो। तो आपको मैं घड़ी घड़ी कहना चाहता हूं महाराज के विचार बदलिए, क्योंकि अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं कर्मचारी। तो कहाँ काम कर रहे हैं? वही जहाँ आपकी गाड़ी को मोड़ते हैं, वो न देख पाते हैं न समझ पाते हैं, लेकिन मालिक जहाँ बोला वहाँ गाड़ी को ले जाते हैं। बहुत सरल उदाहरण है, टाइटैनिक शिप का जो उदाहरण है बहुत सरल उदाहरण है कि हमारे जीवन का गाड़ी कैसे चलता है। बाहर का मन कुछ न कुछ सोचता है, अंदर का मन सोचे हुए को जिंदगी में साबित कर देता है। अंदर का मन सोचे हुए को घटित कर देता है। अंदर का मन वही घटित करता है जो बाहर हम सोचते हैं। सोच सही हो जाए तो जीवन की घटनाएं सही होना शुरू हो जाए, फिर घटनाएं एकदम अलग टाइप की होती है। हमारी सोच सही नहीं है, बड़े भटके हुए आत्मा है।